आज के इस वीडियो में हम लोग जो आज एग्जाम हुआ जेपीएससी का उसका पेपर वन का सटीक विश्लेषण करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए आप लोग जो पहला प्रश्न आया था वह था निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है यानी एर्नाक्स साहित्य ये सही सुमिलित है। क्वेश्चन नंबर दो है निम्नलिखित में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला है 3 नंबर निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रेड ऑफ ऑर्डर ऑफर द चेंज ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया था, इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, सूरीनाम। 4 नंबर है द क्वालिटन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रणब मुखर्जी। अगला है 5 नंबर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सही है, तो केवल जो दोस्तों जो बी वाला है सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 नंबर है G20 के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सही है, तो केवल दोस्तों 2 वाला सही है यानी ऑप्शन बी राइट से हो जाएगा। 7 नंबर है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है, तो अनुच्छेद 44। 8 नंबर है 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की है, तो न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। 9 नंबर है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित है, दोस्तों जो डीप दिया हुआ है श्री पी कल्याण सुंदरम, इसका पुस्तक का क्षेत्र है सामाजिक कार्य, ये सही है। 10 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया, तो कर्नाटक। 11 नंबर है निम्नलिखित में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति। 12 नंबर है सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निष्कर्मण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था, इस अभियान का नाम था तो ऑपरेशन कावेरी। 13 नंबर प्रश्न है भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था, तो बिमल पटेल। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला दूसरा है वो सही है, बाकी तीसरा चौथा गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर है कृषि सुखी को परिभाषित किया जाता है तो निम्न मृदा आर्द्रता से किया जाता है। 16 नंबर है निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है, तो हैदराबाद में। 17 नंबर है याया तसो झील के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है, दोस्तों इसमें केवल 1, 2 और 4 वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है लकड़ा वाला समिति संबंधित है तो गरीबी आकलन से। 19 नंबर है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार शामिल नहीं है। 20 नंबर है WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है, तो रेड बॉक्स अनुदान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर जड़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, दोस्तों जो 1, 2 और जो 3 दिया हुआ यह सही है, ठीक है, चौथा वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 22 नंबर पीएम कुसुम योजना संबंधित है तो कृषि सौर्य पंप व्यवस्था से। 23 नंबर है श्रमिक सहभागिता दर को किस रूप में प्रभावित किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नियोजन एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात। 24 नंबर है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ILO द्वारा। 25 नंबर है निम्न में से कौन से कथन खराए ऊंट के संबंध में सही है, दोस्तों इसमें जो दो और तीनों दिया हुआ है सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 26 नंबर गिनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो केवल जो है दोस्तों 1 और 3 वाला सही है, ठीक है। 27 नंबर है डिब्रू सेखवा जैन उद्यान निम्न में से कहाँ है, तो असम में है। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है तो पर्यावरण क्षरण से, सभी का आंसर मत जाइएगा। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है, तो बनावली। 30 नंबर है नव पाषाणिक पुरास्थल बुरुडी झारखंड के किस जिले में स्थित है,
तो हजारीबाग सिमडेगा जामताड़ा में कहीं नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, इसमें कहीं नहीं है। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना और ही क्रम में है, तो सी वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख दिए स्थानीय बोलते हैं 800 गांव, जहाँ पर एक साथ मिलकर रहेगा 800 गांव मिलाकर स्थानीय बोला जाता है, ये 400 गांव मिलाकर दोनों पूर्व मुख बोला जाता है, करवाटिका 200 गांव मिलाकर और संग्रह 10 गांव मिलाकर लिख दिए हैं। 32 नंबर है, प्रभावती गुप्त शासिका थी, तो गुप्त वंश की थी, पूरा सटीक विश्लेषण है, ठीक है। 33 नंबर है, संगम ग्रंथ लोलकापियम कार्य है, तो व्याकरण पर। 34 नंबर है, तो मुगल मनसबदारी व्यवस्था में सुचारू संचालन के लिए कौन सी उत्तरदायी होता है, तो मीर बख्शी। 35 नंबर है, जिल्द आप सबको मिलाइए, मुगल शासक के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता है, मुहर कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर थी, तो तुंगभद्रा के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसमें आप लोग थोड़ा सा मैच करा लीजिए, कैस करा डे होगा, हमको लगता है इसमें से सभी सही दिया हुआ है, ठीक है, सभी सही दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि सब सही दिया हुआ है। देखिए इसका आयोग क्या करता है, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। 38 नंबर है, निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है, तो ख्वाजा अब्दुल समद। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ, तो कराची, इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था रेतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है, तो थॉमस मुंडरो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, तो इंडियन मिरर में। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और देश के बीच संपन्न हुई थी, तो लॉर्ड मिंटो। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखी गई है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें, जो भी वाक्य दिया हुआ इसमें दोस्तों, जो ऑप्शन बी है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन साहित्य है दोस्तों, सिर्फ 1 और 4 साहित्य है, बाकी 2 गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सिर्फ लोग मैच कर जाइए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, तो मिजोरम। 47 नंबर, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों की स्थानीय तौर पर जाना जाता है, तो ये वाला राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो कृष्णा नदी। अम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है, अम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है, तो केरल और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साहित्य है, तो 1 और 2 सत्य है, बाकी 2 गलत है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, तो यह गार्ड जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्जातीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाँव से गाँव, गाँव से शहर, शहर से गाँव, शहर से शहर। जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा शहरी संकुलन का और ही क्रम है, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है, तो सभी से है, ठीक है, सभी से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, अनुच्छेद 249 राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 37 के तहत। 57 नंबर, 21 संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 77वां संशोधन अधिनियम 1995। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के बारे में सही है, तो केवल 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई है, तो सभी नियुक्त किया गया है, जो भी दिया हुआ है सभी हो जाएगा। भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है, तो केवल पहला सत्य नहीं है, ठीक है, बाकी दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में उचित ठहराया जाता है, तो सभी में ठहराया जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 63 नंबर, किस समिति के रिपोर्ट ने भारत के
अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अधिनियम यानी पेशा 1996 के लिए मार्ग प्रदर्शित कर दिया। तो भूरिया समिति द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? औद्योगिक क्षेत्र पर। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयताकार है? तो दलहन का। शीर्ष सेवन नंबर निम्न में से कौन सा नगद फसल नहीं है? तो ज्वार। सतत विकास के निर्धारण हेतु किस सूचकांकों के आधार बनाया जाता है? तो सभी का उपयुक्त सभी। शीर्ष नाइन है जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किसके आयोजित हुआ था? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये है तो इसका 2002 एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, सतत विकास क्या है? तो ये तीनों है, सतत विकास यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 71 नंबर है सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो 1987 में। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई? तो 1991। सूची वन सूची टू से मिलान करने बोल रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। ठीक है, वन का तीन, बी का ये गरीबी का हो जाएगा ये, और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर है ध्वनि तरंग के दो क्रमागत स्पंदनों के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? तरंग धैर्य कहा जाता है। निम्न में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। निम्न में से कौन निर्वात गमन नहीं कर सकता है? तो ध्वनि। 78 नंबर है वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रतिक्रिया का नाम है मॉड्यूलेशन। 78 हो गया और 79 यहाँ थोड़ा आगे जाते हैं, पेज थोड़ा खराब है। 79 देखिए यहाँ से, निम्न में से किस जीव के अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? तो बकरी से। रैम के बारे में निम्न से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला, रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस की तरह ही गलत है। किन शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है? किसी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है साइबर वेटिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है? तो ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। 83 है ICAR दिवस का मनाया जाता है? तो 16 जुलाई को। चावल का वैश्विक जीन बैंक है फिलीपींस में। गन्ना है, गन्ना तो एक अधिक दीप्तिकालीन पौधा है। मक्के के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 30। व्यावसायिक खाने योग्य गेहूँ निम्न में से कौन सी जीनोमिक अस्थाई पाई जाती है? तो ABD जीनोम। क्षारीय भूरियों को सुधारा जा सकता है, क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है जिप्सम के प्रयोग द्वारा। निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र। 91 नंबर है 1857 के क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है? देवघर में। काफ़ी पॉपुलर है, सबको आता होगा। संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो मारांग गुरु। दोस्तों इसका हम आंसर अभी नहीं बता रहे हैं, हम कमेंट में ये कर देंगे। ठीक है, गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? 1871। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही नहीं है? देखिए ये वाला सही नहीं है, विश्व होम्योपैथी दिवस। दोस्तों ये 10 अप्रैल मनाया जाता है, यहाँ 12 अप्रैल दिया हुआ है, ये सही नहीं है, इसलिए इसका सी वाला हो जाएगा। 100 नंबर है 2023 के में किस राज्य ने सीखो व कमाओ का कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, जितना भी हम बताएं दोस्तों सारा का सारा एकदम सटीक विश्लेषण है। ठीक है, बाकी दो तीन चार प्रश्न नहीं बताएं उसका हम कमेंट में आप लोग वहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट देख लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं सेकंड पेपर में, सेकंड पेपर का भी जस्ट आने वाला है कुछ देर में, तो हम उसमें मिलते हैं। ठीक है।